हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हेलो माय नेम इज शगुन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद शगुन। और यहाँ पे आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री फाइनल ईयर का एक टॉपिक विच इज ओसाजोन फॉर्मेशन। उससे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी यूनिट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, इज डिस्क्राइब द टर्म म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन के बारे में पूछा, ये बोला हुआ है कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अल्फा डी प्लस एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज जो है वो म्यूटा रोटेशन शो करता है, लेकिन अल्फा और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड जो है वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है, ऐसा क्यों? तो देन इसको हम बाद में जब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। उसके बाद व्हाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म द सेम ओसाजोन, ये इसी वाले करंट टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद गिव ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज अलॉन्ग विद द एविडेंसेज इन इट्स फेवर, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज, ये मेरी बारी में भी आया था। उसके बाद मॉडर्न मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन, ये यही अभी हम करने वाले हैं। और किल्याने फिशर सिंथेसिस, ये चेन लेंथनिंग प्रोसेस है जिसमें हम एक कार्बन से चेन को एक्सटेंड करते हैं। म्यूटा रोटेशन विद मैकेनिज्म और किल्याने फिशर सिंथेसिस, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं। अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स और रफ डिग्रेशन पूछी गई थी, और एनोमर्स और एपीमर्स के बारे में पूछा गया था प्रीवियसली। और उसके बाद लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीएनडीयू में, दीज आर यूनिट थर्ड में से, किल्याने फिशर सिंथेसिस अगेन वॉज आस्क्ड, स्टार्च एंड सेलुलोज अगेन, कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू फ्रक्टोज वेरी इजी, अनलाइक ग्लूकोज नीदर एल्फा नॉर बीटा ग्लूकोसाइड रिड्यूसेस टॉलरेंस या फेलिंग सोल्यूशन, वाई? जब हम इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे फिर भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद म्यूटा रोटेशन अगेन, उसके बाद ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट नहीं करता है सोडियम बाइसल्फाइड और स्किप्स रिएजेंट के साथ, ऐसा दिस क्वेश्चन। एरिथ्रो एंड थ्रियो डायस्टेरोमर्स, ये भी बहुत ईजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें से बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर कुछ रीजनिंग बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वी विल कवर ऑल ऑफ देम। और ये लास्ट जो है वो अमीनो एसिड प्रोटीन्स वाले चैप्टर से, ये हम बाद में देख लेंगे। तो अभी हम वी विल गेट बैक टू ओसाजोन। बिफोर स्टडिंग ओसाजोन फॉर्मेशन हमें एक जनरल रिएक्शन का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल सी कि जब ग्लूकोज के ऊपर फिनाइल हाइड्राजीन का अटैक होता है तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है। जब ग्लूकोज के ऊपर फिनाइल हाइड्राजीन का डायरेक्ट अटैक होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विमोलर कंसेंट्रेशन अभी, कि जब अगर ये भी वन मोल है ये भी वन मोल है, लेट अस सपोज दोनों का कंसेंट्रेशन सेम है, तब जब अटैक होगा देन यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे वाटर के एलिमिनेशन के साथ, वाटर का एलिमिनेशन कैसे होता है, एल्डिहाइड्रेट यहाँ पे जो कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन है वो एलिमिनेट होता है, और फिनाइल हाइड्राजीन में से ये लास्ट जो हमारे पास नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन्स लग रखे हैं ये एलिमिनेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और बाकी का बचा हुआ रिएजेंट इट डायरेक्टली कनेक्ट्स विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्लेस ऑफ दिस ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की जगह पे फिर बाकी बचा हुआ रिएजेंट जाकर डबली बॉन्ड हो जाता है विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और जो रिजल्ट हमारे पास आता है, जो प्रोडक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। तो रिएजेंट हम ले रहे हैं फिनाइल हाइड्राजीन जो ग्लूकोज के ऊपर अटैक करेगा, दिस इज द फिनाइल ग्रुप राइट, इसके साथ ये जो NH2 NH है दिस अटैच्ड। अब यहाँ पे इन दोनों नाइट्रोजन्स के पास जो है वो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो अटैकिंग लोन पेयर है दिस सेकेंड नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैक करता है ग्लूकोज के ऊपर, और ये जो दूसरा लोन पेयर है ऑन दिस नाइट्रोजन दिस गेट्स डीलोकलाइज्ड। कीपिंग दिस पिक्चर इन माइंड हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कैसे अटैक करेगा ग्लूकोज के ऊपर। ये सिंगल फिनाइल हाइड्राजीन का मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पे पोलर बॉन्ड, सिंस यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है, दिस बॉन्ड इज ऑब्वियसली पोलर, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर से इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो है वो अटैक करता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाता है इसके हाइड्रोजन्स के साथ, जिससे कि वाटर का एलिमिनेशन होता है और हमें रिजल्ट में ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन मिलता है, जिससे कि ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन की जगह ले लेता है और इसके साथ डबली बॉन्ड कर हमें ये प्रोडक्ट देता है। यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे इन दो हाइड्रोजन्स और इस ऑक्सीजन के एलिमिनेशन के साथ
ये बाकी बचा हुआ रिएजेंट पूरा का पूरा इसके साथ एज इट इज अटैच हो गया है और हमारे पास ग्लूकोज फिनाइल हिड्राजोन की फॉर्मेशन हो गई है। इसे दिमाग में रखते हुए वी विल स्टडी द नेक्स्ट थिंग। अब ओसाजोन फॉर्मेशन होता क्या है, ओसाजोन क्या होता है, ये अभी हम देखेंगे। इफ ग्लूकोज इज वाउंड विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हिड्राजीन दैट इज इन एक्सेस, और वी कैन से 3 मोल भी कह सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3 मोल भी लिख सकते हैं या एक्सेस ऑफ फिनाइल हिड्राजीन भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन में। और फिर जो हम जब एक्सेस ऑफ फिनाइल हिड्राजीन के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन होता है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो एक क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होता है जिसे ओसाजोन कहते हैं, और ग्लूकोज के मामले में इसे पर्टिकुलरली ग्लूकोसाजोन कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि एवरी अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड एवरी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है दे गिव दिस ओसाजोन फॉर्मेशन रिएक्शन। वी विल डिस्कस इट फर्दर बाद में जब हम मैकेनिज्म स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस रिएक्शन डिस्ट्रॉयज द काइरल कार्बन सेकेंड। अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जो सेकेंड काइरल कार्बन होगा दैट विल गेट डिस्ट्रॉयज, उसकी काइरलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दिस इज द जनरल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन, और यू कैन से ओसाजोन फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है जिसके रिस्पेक्ट में हमारे पास 3 फिनाइल हिड्राजीन के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 ग्लूकोज का मोल और 3 मोल ऑफ फिनाइल हिड्राजीन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है। अर्लियर व्हाट वी स्टडीड वाज इक्विमोलर कंसंट्रेशन, जब 1 ग्लूकोज का मोल और 1 ही इसका मोल। अब हमारा जो असली ओसाजोन फॉर्मेशन रिएक्शन है वो ये है, वो सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब हम देखते हैं कि 3 मोल लेंगे तो क्या होगा। 2 यहाँ पे हमारे पास फिनाइल हिड्राजीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं दीज गॉट सब्स्टिट्यूटेड ओवर हेयर। यहाँ पे ग्लूकोज के फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के ऊपर जो है दीज गॉट सब्स्टिट्यूटेड, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास एक एनिलीन का मॉलिक्यूल बनता है, राइट। ये आप सबको पता है, दिस इज एनिलीन मॉलिक्यूल, एनिलीन, और ये हमारे पास एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिजल्ट में आते हैं। ये जो प्रोडक्ट है जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन में सब्स्टिट्यूशन हो रखी है फिनाइल हिड्राजीन के थ्रू, उसे हम ग्लूकोसाजोन कहते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं वो हम स्टडी करेंगे। इसके मैकेनिज्म को स्टेप्स में पढ़ना इज़ वेरी कन्वीनियंट क्योंकि हमेशा याद रहता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ अटैक ऑफ फिनाइल हिड्राजीन ऑन ग्लूकोज कार्बोनाइल। अब ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे ग्लूकोज का, इसके ऊपर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हिड्राजीन पहले अटैक करेगा। सॉल्यूशन है, उसके अंदर ग्लूकोज है, एक्सेस ऑफ फिनाइल हिड्राजीन है। अब फिनाइल हिड्राजीन का एक सिंगल मॉलिक्यूल अटैक करने वाला है ओवर द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज। अब क्या होगा, यहाँ पे पोलैरिटी है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब ये जो पोलर कार्बन है जो कि पार्शली पॉजिटिव चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसके ऊपर ये जो अटैकिंग लोन पेयर है फिनाइल हिड्राजीन का, ये करेगा अटैक, जिसकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हो जाएंगे शिफ्ट ऑक्सीजन के ऊपर, राइट। तो फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है दिस विल गेट एलिमिनेटेड विद इस 2 हाइड्रोजन्स, इन 2 हाइड्रोजन्स के साथ ही ऑक्सीजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लेकर, और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। वाटर का फॉर्मेशन हमें क्लियर हो गया है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो बचा हुआ रिएजेंट है फिनाइल हिड्राजीन वो डबली बॉन्ड कर जाएगा जाकर अपने लोन पेयर की हेल्प से। जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके ऑक्सीजन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है फिनाइल हिड्राजीन के मॉलिक्यूल ने विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड स्टेप है टॉटोमेरिज्म का। पहले स्टेप में फिनाइल हिड्राजीन के एक मॉलिक्यूल ने अटैक किया ग्लूकोज कार्बोनाइल के ऊपर, और दूसरे स्टेप में होगी इस प्रोडक्ट की टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मतलब रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से इसके साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन। अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। डबल बॉन्ड अब यहाँ पे ये
हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड अब टूट चुका है क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है राइट। ये एच प्लस के फॉर्म में अगर थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे ये वाला दो डबल बॉन्ड इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है वो इसे इलेक्ट्रॉन्स देकर यहाँ पे अपने साथ बॉन्ड बना लेगा राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से रीअरेंजमेंट हुई है। अब NH और इसको जो आगे NH ऐसा खोल के लिख लेते हैं, तो यहाँ पे इसे हमने इस तरीके से लिख दिया, और ये OH तो ऑलरेडी इसके साथ अटैच्ड ही है तो ये इसी तरीके से हम लिख लेंगे राइट। तो इसके साथ यहाँ पे इसकी थोड़ी प्रॉक्सिमिटी में एग्जिस्ट करता है, तो कुछ इस तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वी नो कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे किन के बीच में होता है, फोन। अभी हमें पता है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फोन, ये जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे कोई भी होगा तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाती है, डॉटेड रिप्रेजेंट की गई है। और तो रीअरेंजमेंट के थ्रू हमारे पास टॉटोमेरिज्म के थ्रू यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट जो है वो क्रिएट हो। नेक्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ एनिलीन और इमीनो कीटोन फॉर्मेशन। यहाँ पे एनिलीन का रिमूवल होगा, हमने बाय प्रोडक्ट्स में पढ़ा है कि एक एनिलीन भी वहाँ से रिमूव होता है वाटर के साथ राइट। तो यहाँ पे एनिलीन का रिमूवल पढ़ेंगे थर्ड स्टेप में, इमीनो कीटोन फॉर्मेशन भी इसे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक इमीनो कीटोन की फॉर्मेशन होती है। कि ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन है जो इसके साथ बॉन्डेड था, अब ये वाला नाइट्रोजन इससे सेपरेट हो जाएगा, ये जो पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्ड था ये हाइड्रोजन को डायरेक्टली अपने साथ अटैच कर लेगा, और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके साथ राइट। अब ये वाला बॉन्ड छुड़वा के ये इसके साथ चला जाएगा तो एनिलीन अलग हो जाएगा राइट। यहाँ पे एनिलीन ही बन गया C6H5NH2, तो ये दो हाइड्रोजन के साथ यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ये वाली बॉन्ड के छोड़ के, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं यहाँ पे शिफ्ट राइट। तो यहाँ पे कार्बोनाइल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ये वाले जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे कार्बोनाइल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब दो बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स तो इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे नहीं, तो ये वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे यहाँ पे शिफ्ट। यहाँ पर जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा राइट। तो इस तरीके से हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है इस चीज़ की एलिमिनेशन के बाद वो इमीनो कीटोन बनता है राइट। दिस इज एन इमीनो कीटोन बिकॉज दिस इज एन इमीनो बॉन्ड। अभी इस स्टेप में क्या होने वाला है कि सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ हिड्राजीन, फिनाइल हिड्राजीन का अब सेकंड मॉलिक्यूल ऐड होने वाला है, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैक करने वाले हैं, तो अब सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो फोर्थ स्टेप में आता है इन्वॉल्वमेंट में। तो यहाँ पे जो सेकंड मॉलिक्यूल है अब ये अटैक करेगा। अब ये जो है ऑब्वियसली इसने हमने पढ़ा था मैकेनिज्म में कि कार्बोनाइल के ऊपर ही अटैक करता है, तो सेम मैकेनिज्म के साथ में ये मॉलिक्यूल जो है वो इस कार्बोनाइल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा और दोबारा से इसे यहाँ से उसी तरीके से सब्सटीट्यूट कर देगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। फाइनली मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप ऑफ द रिएक्शन, जिसमें थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ हिड्राजीन जो है वो इन्वॉल्व होगा, वो आकर अटैक करेगा और हमारी कंप्लीट ओसाजोन की फॉर्मेशन हो जाएगी 3 मॉलिक्यूल्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ। अब यहाँ पर कोई कार्बोनाइल ग्रुप तो है नहीं है हमारे पास, तो वो जो हमारा अटैकिंग जो यहाँ पे नाइट्रोजन था अब वो उसका इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं है कुछ, उसने एलिमिनेट होना है स्टेप में, तो ये जो है वो ऊपर वाले से थोड़ा सा अलग है अटैक थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ हिड्राजीन का। इधर क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला जो NH2 है जो जिसके पास वो वाला नाइट्रोजन जिसके पास अटैकिंग ग्रुप था अब वो एलिमिनेट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये चीज़ एलिमिनेट होने वाली है और इसका जो H है ये एलिमिनेट होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अब ये अमोनिया के फॉर्म में एलिमिनेट होगा और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द रिएजेंट मॉलिक्यूल जो बचा होगा दिस गेट्स डायरेक्टली अटैच टू दिस नाइट्रोजन विद अ सिंगल बॉन्ड ओनली राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ ये बचा हुआ फिनाइल हिड्राजीन मॉलिक्यूल जो इतना इतना है विच इज रिमेनिंग इट गेट्स अटैच टू इट, और यहाँ पे ये अटैकिंग ग्रुप वाला जो हमारा नाइट्रोजन है ये इस हाइड्रोजन को लेकर अमोनिया के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है राइट। और हमारे पास बाय प्रोडक्ट ये बनता है फाइनल प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड ग्लूकोसाजोन। यहाँ पे यू कैन सी 5 स्टेप्स आर देयर एंड यू नीड टू रिमेम्बर कि कौन से स्टेप में क्या चीज़ का एलिमिनेशन हुआ था, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ इस मैकेनिज्म में।
यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में वाटर का एलिमिनेशन हुआ था जब एक फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रेजीन को ग्लूकोज के ऊपर अटैक करवाया गया था, सेकेंड में टॉटोमेरिज्म ही हुआ था, तो यहाँ पे कोई एलिमिनेशन नहीं हुई थी, बस रीअरेंजमेंट हुई थी, बाकी हर एक स्टेप में जो है वो मॉलिक्यूल एक एक मॉलिक्यूल का लॉस होगा ही होगा। यहाँ पे जो है वो चार मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होने वाला है, बस हमें ये दिमाग में रखना है कि जहाँ पे रीअरेंजमेंट हुई थी टॉटोमेरिज्म सेकेंड स्टेप जो था वहाँ कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, और बाकी बचे हुए चार स्टेप्स में एक एक मॉलिक्यूल जो है उसका एलिमिनेशन होगा, जिसकी वजह से चार मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें बाय प्रोडक्ट में ग्लूकोसा जोन के साथ मिलेंगे। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलेंगे और वन मॉलिक्यूल ऑफ एनिलीन मिलेगा एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मिलेगा, राइट। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज के ऊपर फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रेजीन अटैक्ड, यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो गया था जिसने रीअरेंजमेंट अंडरगो किया और हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट भी फर्दर रीअरेंज हुआ, वहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुई जिसकी वजह से एनिलीन का रिमूवल हुआ और एक इमिनो कीटोन बना। तो द थर्ड स्टेप वॉज इमिनो कीटोन फॉर्मेशन या फिर एलिमिनेशन ऑफ एनिलीन। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमारे पास हमने सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रेजीन को इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर हुआ, और उसके बाद जो है वो फाइनल थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रेजीन के एडिशन के बाद इसके ऊपर हमारे पास अमोनिया का रिमूवल हुआ और हमारे पास ग्लूकोसा जोन फाइनली आ गया। तो दिस वॉज इट अबाउट द मैकेनिज्म। और उसके बाद हम क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस हम उनके आंसर्स देते हैं। द क्वेश्चन वॉज कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो सेम ही ओसाजोन क्यों देते हैं। अब यू कैन सी कि दोनों में सिक्स सिक्स जो है वो कार्बन होते हैं, राइट, ये तो सबको ही पता होगा, इसमें भी सिक्स होते हैं और इसमें भी सिक्स ही होते हैं। अब द थिंग इज कि जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ है। फर्स्ट और सेकंड कार्बन के ऊपर ही आप डिफरेंस देख सकते हैं, बाकी नीचे का इनके चार चार एटम्स का, चार चार कार्बन्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। तो जब इन दोनों में ही डिफरेंस है तो अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चेंज आया है प्रोडक्ट में वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कार्बन के ऊपर ही आया है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज जो है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कार्बन के ऊपर ही यहाँ पे चेंज आया है हमारे रिजल्ट में, और नीचे वाला सारा का सारा सेम रहने वाला है, यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी यही है। तो द थिंग इज कि चाहे हमारे पास ग्लूकोज हो चाहे हमारे पास फ्रक्टोज हो, चेंज तो सिर्फ इन्हीं दो कार्बन के ऊपर आना है और नीचे वाला बिल्कुल भी चेंज नहीं होना है। तो दोनों में सेम ही चीज़ बनेगी, राइट, जिसकी वजह से ये दोनों सेम ही ओसाजोन देंगे। अब हमने शुरू में ये पढ़ा था कि ये रिएक्शन सभी अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स देते हैं और सभी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं। तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते क्या हैं। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बोनाइल कार्बन के एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रखा होता है। तो ये है अल्फा हाइड्रोक्सी, ग्लूकोज एक अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, क्योंकि यहाँ पे भी जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रखा है। तो ये क्योंकि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में जो मैकेनिज्म है उसमें हमने देखा कि अटैक में हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक होता है, फिर साथ में एडजेसेंट कार्बन के साथ रीअरेंजमेंट होती है जिसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब OH जो है वो अगले स्टेप में रीअरेंज करता है, तो नेक्स्ट स्टेप में तो अटैक इसी के ऊपर होगा, अब ये OH बाद में कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन पे ही OH हो। तो इसीलिए सभी अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो ये रिएक्शन देते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। वन मोर थिंग टू एड ओवर हेयर इज कि सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर्स, जितने भी हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो जो हैं वो ये रिएक्शन अंडरगो करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स ये रिएक्शन अंडरगो करते हैं क्योंकि इनके पास फ्री कार्बोनाइल ग्रुप होता है। फ्री कार्बोनाइल ग्रुप इस रिएक्शन की ओसाजोन फॉर्मेशन की नेसेसिटी है। अगर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप फ्री नहीं होगा तो फिर हमारा फिनाइल हाइड्राजीन अटैक ही किसके ऊपर करेगा, राइट। तो ये फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं वो ये हमारे पास रिएक्शन अंडरगो करते हैं।